कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर सुनीता जायसवाल अस्पताल एवं फ्रैक्चर क्लिनिक, चेतिया रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। यहां पर डॉक्टर सुशांत जायसवाल के निर्देशन में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सभी रोगों की जांच और उनका उपचार किया जाता है, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फिजियोथेरेपी के साथ ही खून की जांचें शामिल हैं। साथ ही डॉक्टर सुशांत एक सफल सर्जन भी हैं, जिसके चलते वह टूटी हड्डियों का सफल ऑपरेशन और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर सुशांत जायसवाल अपने कार्य और व्यवहार के चलते कम समय में ही क्षेत्र के लोगों में काफी लोकप्रिय हो गए हैं। तेरी मेरी की कही की धूप चिलचिला रही, लोभ की गर्म हवा जीवन जला रही, लोभ की गर्म हवा जीवन जला रही। राम कृपा की घनी, राम कृपा की घनी छाव तले जी जे, राम कृपा की घनी छाव तले जी जे। राम नाम ली जय जन्म सफल की जय, राम नाम ली जय जन्म सफल की जय। अमृत को छोड़ कर जहर काहे पीज, अमृत को छोड़ कर जहर काहे पीज। राम नाम परिपूर्णतम प्रातपर परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में कोटि से वंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान को बार बार प्रणाम साष्टांग। आज अष्टम दिवस की पावन कथा में पधारे हमारे प्राइमरी सरस्वती शिशु मंदिर के श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी प्रधानाचार्य, सभी माता पिता, भाई बहन, इष्ट मित्र, हमारी सखा मंडली, हमारे आचार्य श्री, सुभारती चैनल के भैया लोग, सुभाष जी साउंड वाले, आप सभी को व्यासपीठ से पंडित धीरेंद्र मिश्र सादर प्रणाम करता है। हमारे बीच में जैसा मैंने उद्बोधन किया, जब मैं क्लास फिफ्थ में था, पंचम का, मुझे अभी भी याद है आचार्य जी, तब के प्रधानाचार्य, शायद मैं ठीक से पहचान भी नहीं पाया आचार्य श्री को, आचार्य श्री मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आए और इस बालक को 2 मिनट आशीर्वाद स्वरूप अपने शुभ वचन प्रदान करें। हरे राम 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 दिवस की पावन कथा में हमने और आपने
प्रभु राम, प्रभु लक्ष्मण, प्रभु भरत और प्रभु शत्रुघ्न एक माइक बंद हो गया भैया। नारायण 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 है दबा है दबा है दोबारा कर दिया। नारायण 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 आप लोग आते हो चेक कर लेते भाई पहले। नारायण 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 जय हो जय हो। हमने और आपने कल प्रभु श्री राम माँ जानकी जू का शुभ विवाह गाया, हमने गाया आपने श्रवण किया। परमात्मा श्री मिथिला धाम से विदा होकर के कहाँ पधारे हो? जब ते राम ब्याह घर आए नितिन जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल I'm not afraid to die.
रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित हो देखी सुनिराओ, प्रमुदित हो देखी सुनिराओ, प्रमुदित हो देखी सुनिराओ। जब से जानकी जी श्रीधाम अयोध्या जी में पधारे हैं तब से माय बाप सदा 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 चारों तरफ मंगल ही मंगल, सब लोग प्रमुदित हैं, प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। जैसे आज मैं प्रसन्न हूँ, मेरे प्राथमिक आचार्य श्री का पदार्पण हुआ और आप श्री ने बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी। मैं तो सरकार आई एम नथिंग, जो कुछ भी है आपके बालकालीन संस्कार प्रदान करने के कारण ही है। यदि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी ना होता तो शायद आज मैं भी डैडी हाउ आर यू, मॉम हाउ आर यू, और शायद डैड पॉप सिस पता नहीं कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करता। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट एडुकेटेड, मुझे इंग्लिश नहीं आती, आती है। आई नो इंग्लिश वेरी वेल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। आफ्टर दैट पिताश्री माताश्री, क्यों सरकार आप श्री ने सरस्वती शिशु मंदिर में जो राष्ट्र प्रेम की, परिवार प्रेम की, देश प्रेम की, धार्मिक ग्रंथों के प्रेम की शिक्षा प्रदान की, वही शिक्षा आज सर चढ़ के बोल रही है। हाँ, ध्यान रहे संपूर्ण चरित्र किसी बालक का, उसका बाल्यकालीन गुरु, उसकी माँ, उसके माता, उसके पिता, उसका पारिवारिक संस्कार ही निर्धारित करता है। जो शिक्षा बचपन में मिल गई ना, वो इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी आचार्य श्री की, मैं आपको क्या बताऊं। आज कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी आप के विषय में मुझे पता है कि आप अभी जल्दी ही धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश किए हैं, तो मैंने कहा कि हाँ, 2013 में ये ठाकुर जी का लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो सरकार। आप सब भी जानिए, जिन्होंने पूछा था वो भी जाने, बहुत लोग हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, बहुत से लोग जो नहीं जानते, जान लीजिए अपने घर में हूं। आई हैव गिवन 3 years ऑफ माय लाइफ एज 14 years टू सोसाइटी। आई वाज employee of a private limited company, लेकिन वो 14 वर्ष, जैसे मेरे परमात्मा प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और सरकार राम जी से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए, ठीक उसी प्रकार वो 14 वर्ष मुझे एक कॉमर्शियल लाइफ से उठा करके आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करा दिया। हाँ, लोग धन के लिए अपनी माँ की हत्या कर दे रहे हैं, अपने भाई की हत्या कर दे रहे हैं, अपने पिता की हत्या कर दे रहे हैं, जिस माँ ने जन्म दिया उसे गाली दे रहे हैं, उसे मार रहे हैं। सरकार धन के लिए मैंने धने छोड़ दिया। अरे
जिसको परमात्मा का लगन लग गया हो उसके लिए धन वन किस काम का। आज अयोध्या कांड की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। 7 दिनों तक हमने श्री रामचरित मानस जी के बाल कांड की कथा गाई। 7 कांड का श्री रामचरित मानस जी है। 1 कांड 7 दिन में है काका, तो कल्पना करिए आज और कल मेरे पास मात्र 2-2.5 घंटे, आज 7:30 हो रहा है, 2.5 घंटे आज और शायद 2 घंटा कल हमको मिलेगा। 4.5 घंटे में ये शेष 6 कांड कैसे पूर्ण होगा। हमने आपसे कहा था कि जैसे माँ पार्वती ने बाबा शिव से पूछा था कि प्रभु निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों, कि भगवान श्री राम का अवतार क्यों, इनकी बाल लीला कथा बताइए, जानकी जी से विवाह कैसे हो बताइए, फिर ये वन क्यों गए बताइए, और वन गए तो वहां पे वन लीला किया इसके विषय में बताइए, और इसके बाद वो रावण को क्यों मारे इसके विषय में बताइए, फिर पुनः वो अयोध्या आए और राज सिंहासन पर विराजमान हुए, राजा बन करके राम राज्य की स्थापना किए कैसे। मैंने आपसे एक वचन दिया था कि मैं कथा राज्याभिषेक तक की गाऊंगा। अब आप मुझे बता दें कि मेरे पास मात्र 2 घंटा 28 मिनट है, इस पर मैं कैसे गाऊंगा, क्या संभव है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसको आधार बना करके हम आज ये प्रयास करेंगे, ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि कथा पूरी गाएं। अब कैसे पूरा होगा मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे कहते महाराज जी कैसे संभव है ये। कल विश्राम दिवस की कथा होगी, उस कथा में हमने जो 8 दिन तक गा के सुनाया, थोड़ा सा हमारा और आपका उसमें प्रश्नोत्तर होगा, और कथा का सार क्या है, आपको क्या समझ में आया जब मैंने गाया, आया कि नहीं आया, थोड़ा इस पे चर्चा होगा। 1-2 चरित्र और मानस में ऐसे हैं जिनका वर्णन, उनके गूढ़ार्थ की चर्चा होगी। काका कैसे गाए बताइए। राम जी अयोध्या में आ गए हैं, पूरे अयोध्या के लोग बहू को पा करके, 4-4 बहू पा करके आनंद में हैं, सब नाच गा रहे हैं, प्रसन्न हैं। इसी प्रसन्नता में आइए सीधा कथम प्रवेश करें, सीधा कथम प्रवेश करें, समय कम है। आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया हमें आप लोग आज डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई ना आगे आएगा ना पीछे आएगा, जो जहां बैठा रहे। हाँ हर सब, हाँ आप प्रसाद दे दीजिए और विराजिए, अभी हमारे आचार्य जी ले आएंगे, ठीक है ना, माँ बैठिए प्लीज, और जाइएगा नहीं, इनका बर्तन दीजिएगा नहीं जब तक कथा विश्राम नहीं तब तक। हाँ वैसे आज श्याम सुंदर चौधरी ने क्या दिव्य प्रसाद पवाया हो, है गोबर से लीप करके वसारा में चारों तरफ बीच में अंगना इका ले आया हो, कहा भाई अगर नाम का है, अरे बोलबा भाई चला चढ़ गए, आप अद्भुत अद्भुत आइटम लाते हैं भाई, अरे गुजिया भी है, चकाचक पाएंगे यार, चलो रखो मेरी कमजोरी जान गए क्या आप, हैं कोई बात नहीं, विप्रम का हो तो मधुरम प्रियम। आप मुझे देखिए और सुनिए, शिवरंजनी रहेगा आज, आएगा तो पूरा कथा प्रवेश शुरू करते, ठीक है ना। आप लोग दर्शन करिए, मेरा एक प्रयास होगा कि 2 घंटे 10 मिनट में अयोध्या कांड से लेकर के उत्तर कांड तक और राज्याभिषेक तक कथा गाऊं। हाँ क्रम से सुनिए, एक प्रयास होगा शायद आपको आनंद आए, आनंद आएगा ही आएगा, नो डाउट आएगा, हाथ उठाइए, गारंटी है, क्या बात, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी तक अयोध्या जी में आनंद महोत्सव मनाया गया, अतिशय आनंद में महाराज दशरथ
ने एक निर्णय ले लिया। एक दिन वो दर्पण के समक्ष गए, देखा कि मेरे बाल कुछ यूं पक गए, देखा हाँ कुछ पका हुआ बाल है। तो उनके मन में आया कि अरे चौथे पन में पुत्र प्राप्त हुआ, अब तो बहु रानी आ गई, अब समय आ गया चलने का, तपस्या का, और क्यों ना ये राजपाट राम जी को दे दिया जाए, ये संभाले और हम चलें। चौथे पन में हमारे चार आश्रम है जीवन के, और वानप्रस्थ आश्रम होता है, जो पहले रहे हैं जानते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जान जाए। जैसे 75 से क्रॉस करिए तो तब व्यवस्था थी, लेकिन आज की व्यवस्था जैसे 60 क्रॉस करिए तैसे हे माताएं चाबी तिजोरी का घर का गल्ला का दे दे बहु रानी के। हे पिताजी लोग सौंप दीजिए अपने बेटे को, और उससे कहिए बच्चा हमार प्रत्येक वर्ष चारों धाम कराइए हमको, और हम उसी में आनंद करेंगे, और उसी में आनंद करिए और गाइए हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। इधर कोई नहीं आएगा, सतगुरु की कोई भी हो कोई नहीं आएगा, बिना व्यास पीठ के इजाजत के कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं तो कोई नहीं। हाँ आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो इसे बीत जाएगा ढाई घंटा। अरे कथा है हो मेरे ठाकुर, कथा है आसान नहीं है, आधा घंटा तो लगता है आपके साउंड सिस्टम में, फिर आधा घंटा लगा पंडित जी को वहां तक जाने में, जैसे प्रवेश करता हूं कोई ना कोई बाधा, अब कोई नहीं आएगा। हाँ आपकी ड्यूटी ना रोक पाए तो हम भेजें बच्चे को। हाँ ठीक है। महाराज दशरथ को लगा कि अब चौथा पन में तो पुत्र प्राप्त हुआ, अब इसको सौंप दिया जाए राजपाट, कथा थोड़ी शीघ्रता चलेगी, आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। ये सारा प्रकाशन मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं कि कथम प्रवेश करने के बाद शायद मुझे ध्यान न रहे कि आप क्या कर रहे हैं। बच्चा पार्टी बैठिए, नहीं तो जाइए, इनकी माताएं संभालें अपनी पांडुपिया, संभालिए इनको। हाँ संभालिए इनको। हाँ 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 बैठा 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 बैठा। अरे तू ना उठा भाई, बैठिए। हाँ इस संदेश अपने इस विचार को महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव भगवान से गुरु वशिष्ठ शेयर किया, चर्चा किया, सरकार आप बतावे तो राम जी को। हाँ अद्भुत तिथि, अरे जिस दिन आप चाहिए उस दिन जब राम को तिलक कर दीजिए तब मंगल, क्यों मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी रवम सुदशरथ अजी रवि द्रवम सुदश के लिए क्या भैया शुभ क्या शुभ। गुरुदेव का आदेश प्राप्त हुआ, महाराज दशरथ ने कर दी उद्घोषणा, कल राम को राज्याभिषेक किया जाएगा, युवराज पद पे सुशोभित किया जाएगा, युवराज मतलब राजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर सुनीता जायसवाल अस्पताल एवं फ्रैक्चर क्लिनिक, चेतिया रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। यहाँ पर डॉक्टर सुशांत जायसवाल के निर्देशन में
अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सभी रोगों की जांच और उनका उपचार किया जाता है, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फिजियोथेरेपी के साथ ही खून की जांचें शामिल हैं। साथ ही डॉक्टर सुशांत एक सफल सर्जन भी हैं, जिसके चलते वह टूटी हड्डियों का सफल ऑपरेशन और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर सुशांत जायसवाल अपने कार्य और व्यवहार के चलते कम समय में ही क्षेत्र के लोगों में काफी लोकप्रिय हो गए हैं।